नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 28 मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज रविवार का दिन है। जो सूर्योदय है वह है प्रातः 6:38 को और जो सूर्यास्त है वह है शाम 6:51 को। ऋतु वसंत का चल रहा है। आज पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन होली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज का जो नक्षत्र है वह नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग वृद्धि है और करण विष्टि है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन कन्या राशि में भ्रमण करेगा। अमृत घटी जो कि है शाम 9:58 से लेकर रात 11:30 को और अभिजीत मूर्ति, इसे दिन का शुभ मुहूर्त भी कहा जाता है, वो है दोपहर 12:20 से लेकर 1:08 तक। राहु काल, इसे अशुभ कालावधि भी कहा जाता है, वो है शाम 5:15 से लेकर 6:46 तक। और विष घटी, इसे भी अशुभ कालावधि कहा जाता है, वह है दोपहर 2:18 से लेकर 3:50 तक। आज का जो शुभ अंक है वह 9 है। आज के जो ग्रह योग है उसमें चंद्र का रवि और शुक्र के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के वैय भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आज के दिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आज के दिन छोटी मोटी बातें हो सकती है, ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं आज का दिन बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी सी बात भी कोई बड़ी जो समस्या है वो आपके लिए ला सकती है। आज के दिन आपकी जो भी समस्याएं हैं वो थोड़ा सा बाजू में रख, थोड़ा शांत रहना, स्थिर रहना ज़्यादा आवश्यक है। आज के दिन आप जो भी निर्णय लोगे वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके वैय भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। तो जो घर के लोग होंगे उनके साथ आज के दिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अनवांटेड स्ट्रेस आज के दिन आपको आ सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो करियर होगा उसके बारे में कुछ बातें हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे जो भी स्ट्रेस आपको आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन के लिए रहेगा। उसके बाद जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। आज के दिन आप आराम करना पसंद करोगे लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। आज के दिन आपका ज़्यादा घूमना फिरना हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो पूरे होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। उसी प्रकार यदि भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं
तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो भी बात आप करोगे छोटी मोटी बातों से लेकर आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में आज के दिन कोई भी बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। आज के दिन आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हो, हालांकि आपका जो मूल स्वभाव है कि आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना और आपके जो स्पेंडिंग होंगे, आपके जो खर्चे होंगे उसके संदर्भ में भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो घर के लोग होंगे उनमें जो पुरुष व्यक्ति होंगे उनके साथ आज के दिन छोटी मोटी बातें तकरार हो सकती हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। आज के दिन आपको छोटी सी गलतफहमी हो सकती है, मतलब आप अपेक्षा कर सकते हो लाभ के बारे में और वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी आज के दिन अनबन हो सकती है, ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आज के दिन किसी बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन आपका जो भी कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपके सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। रिलेशनशिप के मामले में भी, मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार हैं उनके साथ गलतफहमी ज़्यादा हो सकती है और उसी का स्ट्रेस आज आप पर बना रहेगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर नियंत्रण रखना। हालांकि आपकी जो राशि है वो पूर्णतः नियंत्रित राशि है, लेकिन एकाध दो दिन तक आपको ये स्ट्रेस बना रहेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो दिन है आपका, किसी भी प्रकार के जो भी आपका करियर उसके संदर्भ में काम नहीं करना। अगर आपने किसी बड़े काम के बारे में सोच रखा है तो उसके संदर्भ में कुछ अलग ही प्रकार के निर्णय आज के दिन आप ले सकते हो। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ आज आपकी छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आज के दिन आप शांत ही रहे, क्योंकि आपके द्वारा जो भी छोटी मोटी बातें होंगी वह बढ़कर उभरकर ज़्यादा सामने आ सकती है, जो कि नकारात्मक हो सकती है, जो कि आपके रिलेशनशिप में गहरा असर छोड़ सकती है, तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आज के दिन आपको अनवांटेड स्ट्रेस वगैरह आ सकते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेस जिसमें आप तो खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी लेकिन वो स्ट्रेस आपको लेने होंगे। उसी प्रकार आज के दिन सेहत के बारे में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लक्षण आपको ऐसे दिखा दे सकते हैं कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ज़्यादा उसके संदर्भ में सोचना नहीं, क्योंकि एक आध दो दिन में ये बातें पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आज वो रिलेशनशिप थोड़ी सी स्पॉइल वगैरह होने की संभावना है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा
प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आज के दिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर अनबन हो सकती है और ये अनबन थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी आज के दिन आपके नाजुक रिलेशनशिप हो रह सकते हैं, तो थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आज आप मेंटल स्ट्रेस लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रहे इस प्रकार के कोई भी स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आगे जाके एक आध दो दिन में ये बातें पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो थोड़ा सा शांत रहे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि और शुक्र के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रह सकते हो, छोटी मोटी बातें भी आपको बहुत ज़्यादा असर करके जा सकती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, छोटी मोटी बातों के लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, इसकी वजह से स्ट्रेस में आते हो। तो वही वजह होगी, बातें तो बड़ी नहीं रहेंगी लेकिन स्ट्रेस की वजह से उसका आप ज़्यादा जिसके ऊपर ज़्यादा विचार ले सकते हो या फिर टेंशन ले सकते हो। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, सिर्फ आज के दिन आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 28 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।